नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको इंग्लिश रीडिंग कराने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड मैं प्रोनाउंस करके आपको बताऊंगा, साथ में उसको कैसे पढ़ा जाता है ये मैं लिख लिख कर बताऊंगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ दोस्तों बहुत दिनों तक दिमाग में रहता है और जल्दी समझ में आता है। तो मैं एक एक वर्ड को इसमें मैं आपको लिख कर भी बताऊँगा और इसको ट्रांसलेट भी करूँगा वर्ड मीनिंग के साथ। मैं बताऊंगा कि सीजन मिस क्या होता है, समर मिस क्या होता है और इसको कैसे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हुए इस क्लास को मैं शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ENGLISH, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे इसको? हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, इंग्लिश READING, इसको हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग। क्या पढ़ेंगे? रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, ठीक है, इंग्लिश रीडिंग। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग THEARE, इसको हम लोग पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर, देयर ARE, इसको हम लोग पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। There are SIX, सिक्स। क्या होगा? सिक्स। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक पूरे सेंटेंस को, फिर सबका हम लोग मतलब देखेंगे कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। There are सिक्स SEASONS, इसको हम लोग पढ़ेंगे सीजन्स। क्या पढ़ेंगे? सीजन्स। There are सिक्स सीजन्स इन इंडिया। क्या? इंडिया। That are summer, monsoon, autumn, इसको पढ़ेंगे AUTMN, यानी यहाँ पे दोस्तों एन जो होता है साइलेंट होता है। मैं आपको जो भी ग्रामेटिकली वर्ड भी मिलेगा उसको भी मैं समझाऊंगा। देखिए ऑटम, प्री, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्री विंटर। क्या होगा? प्री विंटर, विंटर, विंटर एंड एंड स्प्रिंग। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको एक एक वर्ड का पहले मतलब जान लेते हैं। यहाँ पे देयर आर सिक्स सीजन, सीजन मिस होता है दोस्तों यहाँ पे ऋतुएं। क्या होगा? ऋतु, सीजन मिस होता है ऋतुएं, ठीक है, ऋतुएं, ठीक है। सीजन इन इंडिया, इंडिया में सबको पता है कि भारत। क्या होगा? भारत, ठीक है। समर मिस होगा ग्रीष्म। क्या होगा? ग्रीष्म, समर मिस हो जाएगा ग्रीष्म। मानसून, मानसून को मानसून ही बोला जाता है, इसका मतलब मानसून ही है, ऋतु का नाम है, ठीक है, मानसून। ऑटम मिस होता है दोस्तों पतझड़। क्या होता है? पतझड़। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ लिखा हुआ है यदि आप देखते हैं ना तो वो आपके माइंड में अधिक समय तक बैठता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा प्री विंटर। प्री मिस क्या होता है? पूर्व होता है। प्री मिस पूर्व, यानी पूर्व शीतकालीन। विंटर मिस होता है दोस्तों शीतकालीन। क्या होता है? शीतकालीन, ध्यान से देखिए, विंटर मिस होगा शीतकालीन और यहाँ पे वही चीज है, विंटर शीतकालीन, शीतकालीन, ठीक है। एंड, एंड मिस और आपको पता है, जैसे ही आप सभी वर्ड का मतलब जानेंगे आप अपने आप उसको ट्रांसलेट करने लगेंगे। स्प्रिंग मिस होता है बसंत। क्या होगा? बसंत होगा, ठीक ना, बसंत। चलिए यहाँ से अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। करके देयर आर सिक्स सीजन, छ ऋतुएं भारत, देखा, खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे, देयर आर सिक्स सीजन्स इन इंडिया, भारत में छ ऋतुएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में छ ऋतुएं होती हैं। दैट आर समर, तो जो ग्रीष्म, समर में क्या होता है? ग्रीष्म, मानसून, पतझड़, पूर्व शीतकालीन, शीतकालीन और स्प्रिंग, वो छह ऋतुएं कौन कौन है? देखिए खूब ध्यान से इसको हम ट्रांसलेट करें, खूब बारीकी से समझिए। लिख रहे हैं कि देयर आर सिक्स सीजन्स, यहाँ पे देयर लगता है सब्जेक्ट के रूप में,
ठीक ना, एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग, तो देयर किसके लिए लगा, राजा के लिए लगा, सब्जेक्ट के रूप में लगा, ये सब चीज़ मैं ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगा। तो वही कह रहा है कि देयर आर सिक्स सीजन्स इन इंडिया, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, दैट मीन्स होगा यहाँ पे जो, दैट मीन्स क्या होगा जो, तो जो 6 ऋतुएं हैं वो कौन कौन है, जो ग्रीष्म, मानसून, पतझड़, पूर्व शीतकालीन, शीतकालीन और बसंत है, कौन कौन है ये सब है, ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, खूब आराम से आपको शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों आपको, मैं पूरे मतलब कि पूरे तोड़ मरोड़ कर मैं बताऊंगा कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए और खूब अच्छे से आप इंग्लिश को रीडिंग करने लगें। जब आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो आपको बोलने भी आने लगेगा और बहुत सारे समस्याएं आपको इंग्लिश रिलेटेड दूर होने लगेंगी। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग, बहुत सारे वर्ड रिपीटेड मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस वो और भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है। स्प्रिंग इज द, स्प्रिंग इज द सीजन्स, सीजन बिटवीन, क्या पढ़ेंगे बिटवीन, स्प्रिंग इज द सीजन बिटवीन विंटर, विंटर एंड एंड समर, क्या समर, वेन 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 द टेम्परेचर, क्या पढ़ेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर बीकॉम, क्या होगा बीकॉम, बीकॉम इसको हम लोग पढ़ेंगे माइल्ड, क्या पढ़ेंगे माइल्ड, माइल्ड ठीक है। नॉट, नॉट ये गलत हो गया, हॉट क्या होगा हॉट, और कोल्ड इसको हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड, क्या पढ़ेंगे कोल्ड। चलिए यहाँ से देखते हैं, कह रहा कि स्प्रिंग यानी बसंत, स्प्रिंग मीन्स क्या हो जाएगा बसंत, स्प्रिंग इज द सीजन, सीजन मीन्स ऋतुएं, मैं ऊपर ही बताया हूँ आपको ऋतुएं, ऋतु, स्प्रिंग इज द सीजन, स्प्रिंग मीन्स क्या होता है बसंत, खूब ध्यान से यहाँ से देखिए दोस्तों, कह रहा कि स्प्रिंग इज द सीजन बिटवीन विंटर एंड समर, बसंत सर्दी और गर्मी के बीच, बिटवीन मीन्स क्या होगा के बीच, बीच का मौसम है, क्या है स्प्रिंग इज द सीजन, स्प्रिंग ऋतु है, मौसम है, ऋतु है बिटवीन के बीच विंटर एंड समर, किसके ग्रीष्म और शीतकालीन के बीच का क्या है सीजन है ऋतु है। व्हेन जब, जब द टेम्परेचर बिकम्स माइल्ड, जब तापमान जो है हल्का हो जाता है, क्या हो जाता है तापमान हल्का, करें कि खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ये बड़ा सेंटेंस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, करें कि व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स माइल्ड नॉट हॉट और कोल्ड, जब तापमान हल्का हो जाता है गर्मी या ठंड नहीं होता है, मतलब कि नहीं ज़्यादा गर्मी लगती है और नहीं ज़्यादा ठंडी लगती है, उस समय को स्प्रिंग सीजन बोला जाता है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है दोस्तों स्प्रिंग सीजन। वो किसके किसके बीच में होता है, वो समर और मतलब कि शीतकालीन के बीच का मौसम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी इसके बारे में पढ़ते हैं, और थोड़ी बहुत यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आगे लास्ट तक आप पढ़ेंगे तो वो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मेन आपको फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे, कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं द, द वेदर, क्या पढ़ेंगे वेदर, वेदर बिकॉम्स, क्या होगा बिकॉम्स, वेदर बिकॉम्स वेरी वेरी प्लीजेंट, क्या प्लीजेंट, वेदर बिकॉम्स वेरी प्लीजेंट एंड एंड कंफर्टेबल, क्या होगा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है। करें कि द वेदर, वेदर मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए वेदर मीन्स मौसम होता है, क्या होगा वेदर मीन्स मौसम होगा, सीजन मीन्स ऋतु होगा, ठीक है, ऋतु 6 होता है,
मौसम, जैसे गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, ये 6 ऋतुओं में ये सब मौसम था। क्या था ये मौसम था? वेदर था, समर, मानसून, ऑटम, ये ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है द वेदर, देखिए वेदर जो होता है वो मिनट टू मिनट, घंटा टू घंटा बदलते रहता है, लेकिन जो सीजन है वो एक मतलब कि एक उसका फिक्स अवधि होता है, टाइम होता है, उसमें बदलता है, ठीक है। लेकिन वेदर दिन भर में कितने बार भी बदल सकता है, जैसे तूरत गर्मी लगी, थोड़े देर में आंधी तूफान आ गई, ठीक ना, कोल्ड वेदर हो गया, तो इस तरीके से माइल्ड वेदर हो गया। तो वेदर जो होता है वो अलग होता है, सीजन अलग होता है। ऐसे बोलचाल के भाषा में लोग वेदर और सीजन को मौसम ही बोल देते हैं, ठीक है। चलिए तो द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल, वो स्प्रिंग सीजन के बारे में बता रहा है। कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक या सुखद, आरामदायक, ठीक है। प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद, क्या होता है सुखद, सुहावना, सुहावना बोल सकते हैं, सुहावना, ठीक ना, सुहावना। कह रहा है कि द वेदर, मौसम बिकम्स वेरी प्लीजेंट, बहुत ही सुहावना हो जाता है, कैसा हो जाता है, बहुत ही सुहावना हो जाता है, एंड कंफर्टेबल, और बहुत ही आरामदायक हो जाता है। यानी उस मौसम में, बसंत ऋतु में बहुत ही मज़ा आता है, उस समय में मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि नहीं ज़्यादा ठंडी लगती है, नहीं गर्मी लगती है, खूब सुहावने हवाएँ चलती हैं और बहुत कम्फर्ट फील होता है, ठीक है। देखिए ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंडी ही लगती है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी ही लगती है, लेकिन ये गर्मी और ठंडी के बीच का मौसम होता है, समझ रहे हैं ना, ये बीच का मौसम होता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, वी नो, क्या पढ़ेंगे, नो, यहाँ पे किस साइलेंट है, नो दैट, वी नो दैट समर, समर इज कॉमिंग, समर इज कॉमिंग, वी नो दैट समर इज कॉमिंग विद विद द एडवेंट, क्या पढ़ेंगे, एडवेंट, एडवेंट ऑफ स्प्रिंट, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, स्प्रिंट, ठीक है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो मीन्स क्या होता है, जानना, जानना, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि समर, ग्रीष्म, समर, ग्रीष्म इज कॉमिंग, मन आगमन होता है, क्या होता है, आगमन, विद द एडवेंट। देखिए यहाँ पे एडवेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एडवेंट का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब कि साथ ही होता है, ठीक ना। करें कि पूरे सेंटेंस को मिलाकर हम देखते हैं, वी नो दैट समर इज कॉमिंग विद द एडवेंट ऑफ स्प्रिंट, हम लोग जानते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ ग्रीष्म ऋतु आ रही है, बसंत ऋतु के आगमन के साथ के कौन सा ऋतु आता है, ग्रीष्म ऋतु भी उसी समय आता है, यानी समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद देखिए, स्प्रिंग इज अ कलरफुल, क्या पढ़ेंगे, कलरफुल, स्प्रिंग इज अ कलरफुल एंड कंफर्टिंग, क्या है, कंफर्टिंग, स्प्रिंग इज अ कलरफुल एंड कंफर्टिंग, कंफर्ट से कंफर्टिंग बना है, बसंत ऋतु बहुत ही कलरफुल, रंगीन होता है और कंफर्टिंग यानी आरामदायक, सुखद होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, कंफर्टिंग सीजन, सीजन एंड इज कॉल्ड, क्या पढ़ेंगे, कॉल्ड द क्वीन, क्वीन, क्वीन ऑफ ऑल सीजन्स। कह रहा है कि स्प्रिंग इज कलरफुल एंड कंफर्टिंग सीजन एंड इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ ऑल सीजन, स्प्रिंग जो होता है वह बहुत ही रंगीन, कलरफुल, रंगीन होता है, उस समय नए नए फूल आ जाते हैं पौधों में, ठीक ना, आम और लीची के जितने भी ये पौधे होते हैं उसमें क्या बोला जाता है कि छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, जो बड़ा होकर आम का रूप, लीची का रूप लेता है, ठीक ना, जिसको हम लोग मोजर बोलते हैं, वो होने लगता है,
ठीक है। और वो जो कह रहा है कि सीजन एंड इज कॉल्ड क्वीन ऑफ ऑल सीजन, सभी ऋतुओं का इसको रानी बोला जाता है। स्प्रिंग सीजन को क्या बोला जाता है, क्वीन मीन्स क्या होगा, रानी। सभी ऋतुओं का इसे रानी बोला जाता है इसी कारण से, ठीक है। जितने भी ऋतुएं हैं सबका रानी है कौन, स्प्रिंग सीजन। चलिए यहां से देखिए, द ट्रीज, क्या ट्रीज गेट न्यू लीव्स, लीव्स लीव्स मीन्स क्या होगा, पत्तियां, क्या हो जाएगा, पत्तियां। एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलरफुल, कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स, क्या फ्लावर्स, फ्लावर्स आर सीन। द ट्रीज गेट न्यू लीव्स, जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें नए पत्तियां आने लगती हैं। एंड और ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स आर सीन, और उसमें खूब सुंदर सुंदर कलरफुल रंगीन फूल भी देखे जा सकते हैं, किसमें, पेड़ में, वृक्ष में, पौधों में, ठीक है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इसको पढ़ते हैं हम लोग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान होता है, के दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम नेचर, नेचर बिकॉम, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, बिकॉम। ड्यूरिंग दिस टाइम नेचर बिकॉम्स, सॉरी बिकॉम्स कलरफुल, क्या कलरफुल, ड्यूरिंग दिस टाइम नेचर बिकॉम कलरफुल एंड एंड ब्राइट, क्या ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, क्या होता है चमकीला। जैसे देखिए ठंडी के मौसम में क्या होता है कि धुंध घेरे हुए रहता है, गर्मी में इतना धुलकड़ उड़ता है, लेकिन इस मौसम में स्प्रिंग सीजन में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय नेचर बिकॉम्स कलरफुल एंड ब्राइट, प्रकृति जो है वो रंगीन और चमकीला सुंदर दिखने लगता है, ठीक है। बटरफ्लाइज, बटर बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज माने तितलियां, क्या होता है तितलियां, होता है तितलियां, तितलियां। बटरफ्लाइज एंड एंड बर्ड्स, क्या बर्ड्स आर सीन फ्लाइंग। बटरफ्लाई मतलब तितलियां और पक्षी उड़ते हुए नजर आती हैं, फ्लाइंग मीन्स क्या होता है उड़ना, उड़ रहे होते हैं मतलब उड़ते हुए नजर आते हैं, उड़ना क्या होता है, फ्लाइंग मीन्स उड़ना होता है, तो उड़ते हैं उसमें चारों तरफ दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुकू, क्या पढ़ेंगे, कुकू सिंग्स, सिंग्स कुकू मीन्स क्या होता है कोयल, क्या होता है कोयल। कुकू सिंग्स एवरीवेयर, एवरीवेयर, और जो कोयल है सभी जगह गाती हुई नजर आती हैं, वो जहाँ भी सुनिएगा कोयल का सुंदर सी राग आपको सुनाई देगा, किस सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। समझिए कि पेड़ पौधा पक्षियों के लिए, सबके लिए, मनुष्य के लिए भी ये सीजन जो है बहुत ही सुखद, आरामदायक और बहुत ही सुहावना होता है, इसीलिए इस सीजन को पूरे मौसम का, ऋतु का, इसे राजा बोला जाता है, रानी, सॉरी रानी बोला जाता है। द स्काई बिकॉम्स, द स्काई बिकॉम्स क्लाउडलेस, देखिए क्लाउडलेस रहता है तभी तो क्लियर दिखता है, क्लाउडलेस, क्लाउडलेस माने बिना बादल के, क्लाउडलेस एंड एंड क्लियर, क्या क्लियर। एंड द मूनलाइट, मून एंड द मूनलाइट, मूनलाइट इन द नाइट, क्या नाइट, मूनलाइट इन द नाइट लुक्स, लुक्स वेरी वेरी, देखिए यहाँ पे देखिए द स्काई बिकॉम्स क्लाउडलेस एंड क्लियर, आसमान जो है क्लाउडलेस यानी पूरा साफ क्लियर दिखने लगता है। एंड द मूनलाइट इन द नाइट लुक्स वेरी वेरी प्लीजेंट, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, प्लीजेंट, प्लीजेंट। तो आसमान में जो
चंद्रमा है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, सुखद दिखता है, पूरा साफ दिखाई देता है। देयर इज एन एरोमा, क्या एरोमा इन द नेचर ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, प्रकृति में जो है फूलों का एक लगता है कि चारों तरफ फूल ही फूल हैं, एक उनका मौसम ही आ जाता है फूलों का, ठीक ना। न्यू लीव्स एंड ग्रास एज अ प्लीजेंट विंड ब्लो, जितने भी नए नए पत्तियां होती है वो आ जाती हैं, घास ये सब हरे भरे हो जाते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, तो ये सब दोस्तों स्प्रिंग सीजन में होता है। तो दोस्तों यह स्टोरी जो ऐसे हम पढ़ाए हैं, यह आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि अच्छे से आपको समझाऊँ, यदि थोड़े बहुत कहीं पे दिक्कत हुई है, आपको मेन फोकस करना है प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे, कैसे किस वर्ड का उच्चारण हो रहा है। साथ में आप ऐसे ही और भी वीडियो धीरे धीरे देखेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक बार में तो कुछ होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।